गिफ्ट्स यानी कि तोहफे तो सबको पसंद है, पर क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स की नजरों में ये एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है? सही सुना आपने, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो या चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी क्यों ना हो, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मेरे पास अक्सर ये क्वेरी आती है कि क्या मैं मामा से, नाना से, बुआ से, मौसी से गिफ्ट ले सकता हूँ या मैं कैश में गिफ्ट ले सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गिफ्ट कौन से प्रोविजन में कवर होता है, गिफ्ट हम किन किन लोगों को दे सकते हैं, क्या HUF से गिफ्ट ले या दे सकते हैं, शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं क्या वो टैक्सेबल हैं, और क्या हम क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में दे सकते हैं, कैश में कितना गिफ्ट ले सकते हैं, क्या हमें गिफ्ट को ITR में दिखाना जरूरी है, और तो और मैं डिस्कस करूंगा गिफ्ट से रिलेटेड एक टैक्स प्लानिंग जो आप अपने फ्रेंड की मदद से कर सकते हैं। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टैक्स जी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना। तो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 10 अंडर द चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डील करता है विद द प्रोविजन ऑफ गिफ्ट। तो क्या कहता है ये सेक्शन, शॉर्ट में जानते हैं। अगर कोई भी पर्सन रिसीव करता है एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000 या फिर रिसीव करता है कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें 50,000 से ज्यादा का उसका फायदा हो रहा हो, तो होल ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड विल बी टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑफ इनकम। यानी कि अगर आप कुछ भी रिसीव करते हैं फ्री में तो वो आपकी इनकम के दायरे में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, ऐसे तुम अपनी फैमिली में या अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन में कुछ भी दे या ले पाएंगे ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट इशू की जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन को इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। लिस्ट तो काफी लंबी है, बट द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजेक्शन जो यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, यानी कि अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों से गिफ्ट रिसीव करते हैं। नंबर 2, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, यानी कि अगर आप शादी में आपको कुछ भी मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। नंबर 3, गिफ्ट रिसीव बाय इनहेरिटेंस और थ्रू विल, यानी कि अगर आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है या फिर किसी विल के तहत आपको कुछ भी मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। बस एक चीज जो हमें गिफ्ट देते समय ध्यान रखनी है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम का वैलिड प्रूफ होना चाहिए जिससे हम किसी को भी गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार का मतलब क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो है स्पाउस ऑफ अ इंडिविजुअल, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसका पति या उसकी पत्नी एज द केस में भी। उसके बाद आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसके भाई या बहन। उसके बाद आता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आपके साले साली या फिर देवर, जेठ और ननद। उसके बाद आता है लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसके एल्डर जनरेशन, दैट इज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना, नानी और तो और उसके आने वाली जनरेशन यानी कि उसके बच्चे। उसके बाद आते हैं लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसकी स्पाउस की एल्डर जनरेशन, बोले तो सास ससुर, और तो और उसके आने वाली जनरेशन यानी कि उसके बच्चे। उसके बाद आते हैं ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसके ताऊजी, बुआ, मामा या मौसी। और सबसे आखिरी में आता है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल रेफर टू अबव, यानी कि जितने भी रिलेटिव्स की ऊपर बात की गई है उनकी वाइफ से भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मामा की वाइफ मामी, मौसी के हस्बैंड मौसा जी, ताऊ हैं तो ताई जी और बुआ हैं तो पुपा जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिलेटिव्स की डेफिनेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आती है विच इज रिलेटेड टू HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर HUF अपने मेंबर से गिफ्ट लेता है तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मगर HUF अपने मेंबर्स को गिफ्ट दे नहीं सकता एक्सीडिंग ₹50,000। इसके बाद बात आती है कि शादी में मिले हुए गिफ्ट क्या टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। तो अगर ब्राइड या ग्रूम को यानी कि दूल्हा दुल्हन को अपनी शादी के दौरान कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी हो, उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। इट इज एडवाइज कि जो भी गिफ्ट मिल रहा है उसकी प्रॉपर डिटेल हम बना के रखें और साथ में जिससे गिफ्ट मिल रहा है वो भी अपने सोर्स ऑफ फंड्स के रिकॉर्ड
रखे ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम वर्चुअल असेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड और बिल्डिंग और बोथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्चुअल डिजिटल असेट्स। सही सुना आपने, अगर आप कोई वर्चुअल डिजिटल असेट विच इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी को किसी रिलेटिव को गिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या हम कैश में गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट के गिफ्ट तो आप कैश में रिसीव कर सकते हैं, मगर देयर इज अ प्रोविजन इन इनकम टैक्स जो कहता है कि आप किसी भी पर्सन से किसी इवेंट या ओकेजन के रिलेशन में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट इन माई ओपिनियन आई विल एडवाइज टू टेक गिफ्ट फ्रॉम प्रॉपर बैंकिंग चैनल एज इनकम टैक्स कैन इंक्वायर द सोर्सेज एंड इट्स वैलिडिटी फ्रॉम द पर्सन गिविंग द गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इज कि क्या हमें गिफ्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को अपने ITR में दिखाना है। सो द आंसर इज येस। अगर गिफ्ट टैक्सेबल नेचर का है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के शेड्यूल में शो करना है और नॉर्मल रेट पे उस पर टैक्स लग जाएगा। इन द सेम वे अगर गिफ्ट एग्जेम्प्ट नेचर का है तो एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में हमें उसको शो करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या हमें गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करना जरूरी है या नहीं, और तो गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराना जरूरी है कि नहीं। गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कराना कंपलसरी तो नहीं है, पर इट इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर सेफ्टी। क्या मतलब? मतलब ये कि गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करने से आपका ट्रांजेक्शन वैलिड हो जाता है और इन फ्यूचर जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है अपनी बात से मुकर नहीं सकता। और तो और अपनी गिफ्ट डीड में आप सारे पर्टिकुलर प्रॉपरली इंक्लूड कराएं और कम से कम 2 विटनेस के साइन जरूर कराएं। और तो और विटनेस अगर जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है उसके रिलेटिव्स हों तो और भी अच्छा, ताकि आगे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज ना कर पाए। इन द एंड मैं आपको एक टैक्स प्लानिंग बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने फ्रेंड से 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज और आप अपने फ्रेंड से 2 लाख रुपीज रिसीव कर लेते हैं तो अब आपकी टोटल इनकम हो गई 3 लाख विच इज लेस देन 5 लाख, यानी आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला और आपको 2 लाख का गिफ्ट भी अपने फ्रेंड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।